नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम मिल रहे हैं जेके अंदर सोमड़वाल से, जो 2021 में खड़गपुर आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हैं। और ये बच्चा 2016-17 में एपीएस स्कूल सीकर से पास आउट है। तो आज हम इससे जानते हैं कि यहाँ पर एपीएस स्कूल में जो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव का माहौल दिया जाता है, या फाउंडेशन का कंपटीशन का जो माहौल दिया जाता है, उसकी क्या वैल्यूएशन है जगेंद्र के? तो मैं 2014 में 10th क्लास पास करके एपीएस में गया था। तो स्टार्टिंग से ही वहाँ पे स्कूलिंग के साथ में फाउंडेशन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। स्कूलिंग प्लस फाउंडेशन दोनों चीज़ें काफ़ी बैलेंस में रख के सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते थे, और वीकली बेसिस पे दो तीन सब्जेक्टिव एक दो एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो जाते थे, जिससे क्या है आपके परसेंटेज भी अच्छे बन जाते हैं और उसके साथ में आपका जो कॉम्पिटिशन का बेस बनता है वो भी काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो इससे आपको सब जगह पे हेल्प होती है, जैसे जेई करना हो, आपको पीएमटी निकालना हो, या फिर नेवी एयरफोर्स में अगर आपकी इच्छा है तो आराम से निकल जाते हैं। तो आदर्श पब्लिक स्कूल की ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है कि वो एक बैलेंस के साथ में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव चीज़ों को बढ़िया से प्रिपेयर करवाते हैं बच्चों को, और बच्चों का अच्छा फाउंडेशन बना देते हैं जिससे उनको आगे जाके बहुत हेल्प होती है। तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है एपीएस। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि बच्चा 11th और 12th में जैसे तैयारी करता है, अब चाहे वो बायो का है या मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है, तो ये जो फाउंडेशन का जो रोल है उसके जैसे उसकी प्लानिंग में, जैसे उसको 12th में एक अच्छा स्कोर भी लेना है और साथ में उसको नीट के लिए भी जाना है या उसको आईआईटी में भी जाना है, तो उसके हिसाब से फाउंडेशन का रोल क्या है इन एपीएस? तो फाउंडेशन से आपको क्या है ना, जो सब्जेक्टिव किताबों में चीज़ें हैं वो आपको पता चल जाती है, उसके साथ में फाउंडेशन आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवा देते हैं। अभी फाउंडेशन में क्या होता है, आप प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व करते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उससे आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और आईआईटी पीएमटी सब जगह पे प्रॉब्लम सॉल्व करना ही होता है, वहाँ पे कैसे भी करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। तो फाउंडेशन का सबसे अच्छा फायदा यही है कि आपको क्वेश्चन हल करने में बहुत आसानी होती है। चलो, जैसा कि आपने देखा कि जेकेंद्र सोमड़वाल, तो जेकेंद्र सोमड़वाल की तरह इस तरह से बहुत ही सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस तरह से अपने अपने अचीवमेंट्स स्कोर किए हैं, या अपने अपने अचीवमेंट्स जिन्होंने गेट किए हैं, अचीव किए हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन या कॉम्पिटिशन का। ओके, नमस्कार, अगेन गुड इवनिंग।